ये दूसरा वाला है जो इन्होंने ये इससे कट्टों से सपोर्ट दिया है इसको, और अब एक बल्ली लगाइए तो ये नाली से कितनी दूर है ये देख लो आप। ये दूसरा वाला है इतना चिराग, ये इसे सपोर्ट दिया है इन्होंने अब, तो ये नाली खोद दी, नीचे से पूरा पोला है, ये पूरा पोला है ये, और ये कितनी दूर है ये दिख रहा है फोटोग्राफी में, ये नाली से कितनी दूर है ये देखो, नाली से जरा सा दूर है ये, बिल्कुल नाली के टच है ये। न इन्होंने कोई सेंटर से परमिशन ली, न इन्होंने कोई इंजीनियर को कॉन्टेक्ट दिया, न इन्होंने कोई ठेकेदार को कॉन्टेक्ट दिया, दे डोंट हैव नथिंग एनीथिंग। ये तो जमीन के अंदर तक खोदते हुए कैसे गिरा है? ये सारी नाली चपड़ासियों ने खोदी है यहाँ के दरगाह कमेटी के, तो ये नाली इतने पास बिल्कुल खोदी, तो ये बिल्कुल यहाँ बिल्कुल ये है एक दो फुट दूर, दो फुट दूर है ये नाली से, वो नाली पूरी खोद दी इन्होंने चौदह इंच इन्होंने नाली खोद दी, और ये पूरी कदीमी चीज़ जो कि 450-500 साल पुरानी होगी कम से कम, पूरा इन्होंने ये ना कोई इंजीनियर आया, ना दरगाह कमेटी ने किसी से कांटेक्ट किया, ना किसी कॉन्ट्रेक्टर को ठेका दिया, और ना इन्होंने ये अच्छा ही नहीं समझा कि किसी इंजीनियर को बुला के ये करते, दरगाह कमेटी के जो चपड़ासी हैं यही काम कर रहे हैं यहाँ पर, और ये कितने दिन से काम कर रहे हैं, कितने दिन से काम चल रही है, ये चल रहा है मामा, जब स्टार्टिंग मास से जब से लॉकडाउन हुआ तब से, जब से लॉकडाउन हुआ जब से ये काम कर रहे हैं, ये जी चाह रहे हैं काम कर रहे हैं, और कोई इंजीनियर नहीं है, और चपड़ासी जिनको कुछ आता भी नहीं, ईंट लगाना भी नहीं आती सही से। ये सब देखो दरगाह कमेटी के लोगों ने बारिश के वक्त में जो काम कराया है, ये उसका अंजाम देखो दरबार के अंदर, और अभी कोई भी मौजूद नहीं है दरगाह कमेटी का यहाँ पर। दरगाह कैसे नहीं है, सब आ रहे हैं ना वोट।